एटमोस्ट बोला है, ज्यादा ज्यादा दो हेड मतलब एक हेड भी आ सकता है और एक हेड नहीं आएगा वो भी, एक भी नहीं आएगा तो भी चलेगा, मतलब कौन नहीं आएगा तीनों हेड वाला नहीं है तो उसके टोटल क्या कितना है। अब बोल रहे एटलीस्ट टू हेड, कम से कम दो हेड आना चाहिए, तो कम से कम दो हेड मतलब कॉमन क्या होगा, ये बोल रहा है एटलीस्ट टू हेड और ये बोल रहा है एटमोस्ट टू हेड मतलब टू, तो सिर्फ कितने के साथ तीन, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी थ्री बाय फाइव दोनों का कॉमन भाई, एक तो बोल रहा ज्यादा ज्यादा दो हेड आना चाहिए और एक बोल रहा कम से कम दो हेड आना चाहिए मतलब दो हेड आना चाहिए और दो हेड आने की वजह से और बोलो उसके अलावा क्वेश्चन नंबर नाइन क्या बोल रहा है देखो, मदर फादर एंड सन लाइन अप रैंडमली फॉर अ फैमिली पिक्चर, मुझे ईवाईएफ निकालना है ई की मैंने आपको सन और मन है और ऐसे फादर इन दी, देखो फादर इन मिडिल है तो आपके जो केस है फादर इन मिडिल, ये केस आएगा मदर फादर सन सन फादर मदर, दो केस आएंगे कितने केस आएंगे दो केस, और ये बोल रहा है सन ऑन मन एंड, तो सन ऑन मन एंड तो दोनों में ही आ रहा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है इसकी प्रॉब्लम ही आएगी क्योंकि सन और मन एंड बोल रहा है, तो सन और मन एंड तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी टू बाई टू इक्वल टू वन। अब यदि आपको इसको लिखना है तो ऐसे लिखोगे पी बाई, अच्छा टोटल केस कितने होंगे तीन जनों को अरेंज करने की, टोटल केस छह केस क्लास इलेवन को आ रहा है, तीन को अरेंज करने के कितने केस होते हैं थ्री फैक्टोरियल, तीन जनों को अरेंज करने के तरीके थ्री फैक्टोरियल और उनकी फैक्टोरियल तो टोटल तरीके बनेंगे छह, ये कोई थोड़ी जब उनकी बात नहीं समझ, तो टोटल नंबर ऑफ पोजिशन अब देखो पी बाई एम की बात करें तो यहाँ पी पे सेक्शन है, अब कौन पी है पी है फादर इन द मिडिल कितना, फादर इन द मिडिल कितनी मना आ रहा है टू बाई सिक्स, फादर इन द मिडिल कितने केस में आ रहा है टू बाई सिक्स, ना पी इंटरसेक्शन है अगेन ये भी क्या आ रहा है टू बाई सिक्स, तो देयरफॉर पी ई बाई आर टू बाई सिक्स डिवाइड बाई टू बाई सिक्स, इस तरह से इसका वैल्यू वन है, फॉर्मूला लगाए बेटा मार्क्स में आएगा तो कोई गलत नहीं, मार्क्स में आ गया तो सही से मार्क्स काट सकते। क्वेश्चन नंबर एट, अ डाइस रूम थ्री टेन, ये रहा ऊपर वाला, अच्छा डाइस रूम थ्री टेन, चलो डाइस रूम थ्री टेन तो कितने केस बनेंगे भाई, टू वन सिक्स, टी फोर अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, फोर अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, सिक्स एंड फाइव अपीयर ऑन फर्स्ट टॉस, अपीयर्स ऑन रेस्पेक्टिवली बोलो रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट टॉस, तो ये तो इस तरह का एग्जांपल भी था, किसने पूछा एग्जाम्पल ही क्या है पी बाय पी इंटरसेक्शन है तो कौन पी, अब देखो ये पी एफ में क्या क्या आएगा, ये समझो फर्स्ट पर सिक्स आना चाहिए, सेकंड पर फाइव आना चाहिए, थर्ड पे क्या क्या बचता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितने केस बने छह केस, तो प्रोबेबिलिटी आ गई सिक्स बाई टू वन सिक्स, अब वो बोला थर्ड पे फोर आना चाहिए तो एक तो केस आ गया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई क्लियर,
ऑस्ट्रेलिया कल से कम जाने लगा, कल ज्यादा देर से लगा। इलेवन का था जो इलेवन में तो किसी का नहीं था, सुन लो अमेरिका में घर में टी यूनियन है बाई जी, तो जी है हमारा 2345 और ई यूनियन एम पे 1 2 3 5 टोटल कितने हैं 6। तो देखो पी यूनियन है बाई जी इज इक्वल टू पी यूनियन है इंटरसेक्शन जी अपॉन ए। पी जी कितना है भाई 4/6। अब बेटा एक दोनों कितना कमाना है टू थ्री फाइव, तो क्या आ गई प्रॉब्लिटी 3/5। आया क्या किसने पूछा था, क्लियर है? इसलिए सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा। सेकंड पार्ट आपका क्या बोल रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, तो ई इंटरसेक्शन एफ मतलब दोनों का ई इंटरसेक्शन एफ में क्या होगा, तीनों का कॉमन, ई एफ जी तीनों का कॉमन कितना है, पर तीनों में कौन कौन कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो बस 3 आ रहा है, तो आपका 1/4 आ रहा है, तो यहाँ पर 1/6 हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन। और बोलिए भाई और कौन सा क्वेश्चन। चलिए फिर आप सबसे पहले एग्जांपल नंबर 7 इंपॉर्टेंट लिखो। Consider the experiment of tossing a coin. Consider the experiment of tossing a coin. If the coin gives head, toss it again. But if it gives tail, then throw a die. Find the probability of event. The dice give number greater than four, given that there is at least one tail. देखो ये हम डायरेक्ट नहीं कर सकते भाई, आप इसको ऐसा नहीं कर सकते। देखो पहले मैं समझाता हूँ कि ये क्यों नहीं कर सकते भाई। आपने बोला एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करने पे हेड आएगा तो क्या कर रहे हो आप, डाइस को थ्रो कर रहे हो, कॉइन को दोबारा टॉस कर दो। यदि आप ऐसे करोगे तो ये गलत हो जाएगा, जैसे हेड 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 टेल वन टेल टू टेल थ्री, लिखना नहीं है, लिखना नहीं, मैं गलत बता रहा हूँ कि भाई ये गलत है। फिर आपने बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालनी कि एटलीस्ट नंबर ग्रेटर देन 4 है, कि एटलीस्ट वन टेल, किसकी प्रोबेबिलिटी, नहीं नहीं प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन है एटलीस्ट। अब देखो यदि मैं इसमें आपका निकालता हूँ पी वन, एक टेल कम से कम एक टेल आना चाहिए, तो 7 बार आना, और टोटल कितना है
तो 7 बाय 8। और फिर आपने बोला कि ग्रेटर देन 4 भी आना चाहिए और 10 भी आना चाहिए, तो आपके हिसाब से आंसर क्या है? लेकिन ये बिल्कुल गलत। अब इसमें गलती क्या है? इसमें सभी चीजें इक्वल ही रहती है और तो सबकी प्रॉपर्टी सेम है। क्यों ये सेम? अभी बताते हैं चीजें सेम क्यों, क्योंकि वो बोलता है कि ये सारे इक्वल ही रहती है और तो जिसका वो पढ़ा चुका है इसका की प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम दिया क्वेश्चन बोला ये इक्वल ही रहती है और तो फिर आंसर उपाय चल। लेकिन ये अभी खुली एक्चुअली लाइकली आउटकम्स क्यों नहीं है, उसका रीजन क्या है? एक मिनट मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि ये कैसे प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है इसमें। देखो कॉइन को टॉस किया, आपने बोला हेड और टेल, तो ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी। अब हेड आने पर वापस कॉइन को टॉस करें तो ये 1 बाय 2 दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, इनकी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये टेल आने पर आपने 1 2 3 4 5 1 बाय 2। अब मुझे बताओ कि सारी प्रॉब्लम सेम नहीं है तो फिर आंसर 2 बाय 7 कैसे हो? इसलिए इसका आंसर 2 बाय 7 क्योंकि सारे फुली लाइनली आउटकम, यदि वो बोल देता अब मैं नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम को आऊंगा उसमें मैं बोलूं, अभी नहीं बोला हुआ है तो आपको इस तरह इसको फ्री डायग्राम बना लें। चलिए अब वो वही काम कर रहे हैं जो बोल रहे हैं, जिसकी प्रॉब्लिटी काम है वो ही क्या हो रहा था नंबर ग्रेटर देन एटलीस्ट 1 कम से कम एक टेल आना चाहिए, तो टेल देखो यहाँ पर आ रहा 1 बाय 4 तूफान दिखा देते 1 बाय 4 और यहाँ पर टेल पूरी का तो 1 बाय 2 इतना हो गया पी एफ। Now, P intersection है, टेल भी आना चाहिए और नंबर ग्रेटर देन 4 भी आना चाहिए, तो 1 बाय 12 प्लस 2 बाय 12 मतलब सो देयरफॉर P बाय N ये आ गया आपका P intersection है 1 बाय 6 डिवाइड बाय 3 बाय 4 4 बाय 18 मतलब 2 बाय इसकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी आ गई कोई डाउट किसी को? सेम प्रॉब्लम आपकी सेम टाइप की प्रॉब्लम आपकी पूछी जा चुकी है, लेकिन उसने उसने अपने काम आसान कर दिया, उसने बोल दिया कि सारे खुले लेके आओ नेक्स्ट प्रॉब्लम से, तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ी, फिर हमें सिर्फ सैंपल इससे थी तो दोनों का केस अलग है। क्या प्रॉब्लम थी मुझे? कल जो आया था उसमें कौन कौन एक तो भव्य हो जाएंगे क्या, भव्य हो जाएंगे क्या सर? भव्य नहीं है ना
देखिए नेक्स्ट टॉपिक कंसीडर रैंडम एक्सपेरिमेंट इन विच अ कॉइन इज टॉस्ड एंड इफ कॉइन गिव्स हेड एंड इफ कॉइन गिव्स हेड टॉस इट अगेन coin gives head, toss it again. But if it gives tail, then dice is tossed. Eight possible outcomes are equally likely. उसने यह बोल दिया equally likely. If eight possible outcomes are equally likely. Then find the probability there the die gives a number. Then dice gives a number greater than 4. If it is known there. The first row of a coin, results in a tail. अब देखो यहाँ पर क्या है सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस बन गया आपका हेड टेल टेल वन टेल टू टेल थ्री टेल फोर टेल फाइव टेल सिक्स या ए नंबर greater than 4. B, first row of coin results in a 10. First row of coin results in a 10. So first row of a coin results in a 10 which is PAYB. PA is the section B upon B. PB आगे आपका 6 by 8. P A is the section B 2 by 8. So therefore P A by B is equal to 2 by 8 divided by 6 by 8. So what is the probability? 1 by 6. कैसा है किसी को डाउट है? First row पर tail आ रहा है, तो वो 6 tail में आ रहा है. Tail 1, tail 2, tail 3, tail 4, tail 5. Number greater than 4 दो tail में आ रहा है. Tail कितना? चलिए नेक्स्ट लीजिए बिल्कुल रुका हुआ
लिखो बोले प्लेनेट्स लिखिए एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ टू सब सिस्टम ए एंड बी from previous testing procedure the following properties are assumed to be known E A fails 0.2 E B fails 0.15 T A and B fails 0.15 First, P A failed, oblique B failed, or second P A failed oblique. ये निकालना है। देखो यहाँ पर आपको जो गिवन है P B failed oblique गिवन है। तो कल की बात याद करते हैं। अरे यार तुम मैं क्या करूंगा तुम्हारा कैसे करूं माइनस बी बी फेल करूंगा मतलब अकेला बी फेल हो रहा है मतलब बी के साथ कोई फेल नहीं हो रहा फेल नहीं हो रहा मतलब बी बी तो फेल हो रहा है कौन हटा दोगे कल फॉर्मूला लिखवाया था इंग्लिश लिखवाया था बी बी फेल करूंगा मतलब बी फेल और बी फेल है तो कौन सा फेल हटा दोगे दोनों का फेल तो बी फेल अलोन है अरे दो ही तो सब सिस्टम है इधर बता देता हूँ यदि दिक्कत आ रही हो ये ए फेल है और ये बी फेल मुझे निकालना है ये वाला पार्ट केवल बी फेल हो तो ये फेल हटा दोगे तो बी दोनों का फेल तो बी फेल का नोट में क्या करोगे पी बी फेल माइनस पी ए एफ बी ये निकालना है आपको पी बी फेल का नोट 0.15 ये मुझे निकालना है और ये गिवन है आपको 0.15 तो बेटा पी बी फेल कितना आ गया 0.15 + 0.15 कितना हो गया सी ये पी बी फेल था ओनली ओनली पी बी तो हमारे पास आ गया पी बी फेल इक्वल टू 0.30 अब मुझे निकालना है फर्स्ट वाला PA fails oblique B fails PA and B fails upon PB fails तो ये एंड बी फेल कितना लिखो एंड था भाई आप सुनो 0.15 ही बोलते हैं 15 में तो 0.30 तो फर्स्ट आंसर कितना आ गया 1/2 सेकंड निकालना मुझे ए फेल का लोन तब तो समझ में आ गया ए फेल का लोन कैसे मिलेगा ए फेल में से क्या बात होगी बिल्कुल सही पी ए फेल का लोन पी ए फेल माइनस पी ए डी तो 0.0 कितना था 0 था जीरो पॉइंट ये आपका ये प्रॉब्लम
In a hostel, 60% of the students read in the newspaper. English newspaper. And 20% read both Hindi and English. English newspaper. क्या बोला मैंने कुछ मांग नहीं थी उसने बोला कि कॉमन नाम है इसका मतलब कितनी तारीफ होगी ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ये दो पार्ट में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। जो तीसरा पार्ट था लेकिन नहीं बोल तीसरा पार्ट था कि उल्टा इट्स रीड इन इंग्लिश न्यूज़पेपर देन फाइंड द पोजीशन इन द न्यूज़पेपर। तो एक ही बात है दोनों से कोई जाने निकालोगे आपको समझ आ जाएगा कि दूसरा कैसे निकले। अब देखिए बेटा किसी एक को भाई एक इवेंट मान लो कि स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। बी इवेंट वाले स्टूडेंट ने सर आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही है। इंग्लिश न्यूज़पेपर ई ये हो गया आपका कितना परसेंट है 60% ना इंग्लिश कर रहा था ना ए बार इंटरसेक्शन बी बार
a bar intersecting b bar. Neither in the nor in the. Neither in the nor in the. इसका मतलब P A bar intersection B bar. तो कल क्या हो गया था? D bar का क्या होता है? One minus P A union. या ये डी मोड का स्लो लग गया, सबको पता है ना, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. पी ए का वैल्यू 60/100, 40/100 माइनस 20/100. तो वन माइनस इसको सोल्व कर दो, 80/100 इक्वल टू 20/100 1/5. ये आ गया आपका नाइदर हिंदी नॉर हिंदी. 1 minus 80/20 वाला बेटा आपको गिवन है, हिंदी न्यूज पेपर पढ़ रहा है, मतलब एक नंबर प्रोबेबिलिटी किसकी बनी बी की. सेकंड वाले का मैंने क्या निकाला, बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जल्दी का गिवन है ए. तो हमें निकालना है पी बी बाय यू. इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी जबकि हिंदी गिवन है, तो हमें पता है कि हिंदी पढ़ रहा है. तो फॉर्मूला क्या था, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड डिवाइड बाय थ्री अपॉन कितना आ गया 15. तो इसकी प्रॉबिलिटी आ गई 1/5. चलिए लास्ट प्रॉब्लम इस टॉपिक की, फिर हम करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट. भाई 6 बजे वाली क्लास में मैं बता देता हूँ, पहले टेंडम नॉर्मल होगा, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, फिर आपका लास्ट में मैक्सिमम दिखा होगा और फिर इंट्री उस तरह चलेगा ऑनलाइन. और इस वाली क्लास में यार बता दिया पहले, अभी क्या चल रहा है अपना प्रोबेबिलिटी चल रहा है, एक दिन थोड़ी का है, फिर उसके बाद चलेगा इसमें बैचलर सी, फिर एलबीटी. टू इंटीजर्स आर सेलेक्टेड रैंडम, टू इंटीजर्स आर सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम इंटीजर्स 1 to 11. From integers 1 to 11. If the sum is even, find the probability that both the numbers are odd. If the sum is even, find the probability that both the numbers are odd. नंबर बता दो. अब देखो बहुत सारे नंबर तारो, पहले तो ये देखिए 1 to 11 में आपको 2 नंबर सेलेक्ट करना है,
इवन और ऑड का लिखा है तो पहले इवन लिख लो और ऑड लिख लो। सम इवन कब आएगा? दो नंबर का सम इवन कब आएगा? दोनों इवन हो या दोनों? तो इवन अलग लिख लेता ऑड अलग लिख। वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन ओ इवन। टू फोर सिक्स एट टेन। अब मुझे दो नंबर चूज करने हैं भाई। मैंने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? सम इज इवन बोथ नंबर्स आर बोथ नंबर्स आर और गिवन क्या है आपको? सम इज बेटा सम इज इवन तो कब आएगा? जब या तो दोनों ओड हो या दोनों। तो देखो पीबी कैसा आ रहा, ध्यान से देखना। 62 अपॉन 11 सी प्लस 52 अपॉन 11 सी। जब इतने ज्यादा नंबर सेलेक्ट करते हैं तो कॉम्बिनेशन ना छह नंबर है, छह नंबर आपको किससे सेलेक्ट करने हैं? दो नंबर सेलेक्ट करो। उसी केस में हमने 60 और टोटल हमारे पास कितने नंबर है दिमाग से? दो सेलेक्ट करने हैं तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी। फोर नंबर के दो फोर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 62 अपॉन 11 की या दोनों इवन भी हो तो 52 अपॉन 11 या है कौन बेटा? कभी भी एक नंबर से ज्यादा सेलेक्ट करेगा तो कॉम्बिनेशन लगेगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे 1 3 5 7 9 मुझे एक नंबर सेलेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट बोलोगे 1/6। इनमें से एक नंबर सेलेक्ट करना है तो 1/6। पर वो मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ इनमें से दो नंबर सेलेक्ट। तो टोटल नंबर कितना है? 6। तो टोटल केस बनेंगे बेटा 62। अब सी कैसे निकालते हैं वो समझ में, कैसे कॉम्बिनेशन निकालते हैं? जैसे 62 है ना तो डायरेक्ट आप देखो 6 को दो बार रिड्यूस करो 6 × 5 और अपॉन में 20। ये 62 की वैल्यू है। जो भी वैल्यू आएगी आपकी टेंसिटी की वैल्यू इस तरह से ये सिलेक्शन हो। अब जैसे यहाँ पर अभी 20 जन बैठे, 20 में से मुझे 5 को सेलेक्ट करना, तो मैं लिखूंगा 20 8 9 1। निकालूंगा कैसे? 20 19 18 16 5। अब समझ में आ गया। तो एक से ज्यादा नंबर जिससे आप सेलेक्ट करते हो तो कॉम्बिनेशन लगता है। किसी को दिखता था कॉम्बिनेशन? तो ये आ गया हमारा 62 प्लस 5 3 2 अपॉन 11 55। तो ना दोनों नंबर वोट भी होना चाहिए और सम इवन भी हो। तो ये पता है दोनों नंबर वोट और सम इवन और भी होने चाहिए और सम इवन भी होने चाहिए। ये तो आएगा उसके अलावा, क्योंकि ये वोट भी है दोनों नंबर और सम इवन भी है। तो क्या आएगा? 62 अपॉन so therefore P A by B this is equal to P A summation B upon K. A summation B is 62 upon 11 C2 62 plus 5 C2 upon 11 62 के अरे 15 plus 7 कितना 15 by 3 by this probability। ये इसकी probability आ गई कि कोई भी दो number select कर रहे हैं हमने। इसका sum even आ रहा है, sum is even and so number का select। तो ये हमारा उत्तर हुआ फर्स्ट एक्सरसाइज कंडीशनल प्रॉब्लम। इसमें से आपको लास्ट की मैंने तीन प्रॉब्लम दी थी,
13 में दिया था, तो 13, 14, 15, 13, 14, 15 ये तीनों और करनी है, 13.1। अब हम करेंगे भाई, कल होमवर्क कर लेना प्लीज, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा मत बोलो कि आवाज अंदर ना बेटा, आप भी नहीं करोगे तो कब करोगे? इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, टू और मोर इवेंट, टू और मोर इवेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, टू और मोर इवेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, इफ ऑकरेंस ऑफ वन, इफ ऑकरेंस ऑफ वन does not affect occurrence of one, does not affect the occurrence of all others, occurrence of one does not affect the occurrence of all others. भाई किसी के होने या ना होने का दूसरे का कोई फर्क नहीं होता। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सपोज मैंने बोला सुनना, गाइस को फिट, गाइस को देखने का कई बार में नंबर सोचता गया वो थ्री है, तो अगली बार देखने का नंबर थ्री आ सकता है कि ना, तो फर्क पड़ा ही किसी बात है। चलो मैंने गाइस को 10 बार देखा, तो इसकी 9 बार में क्या आया था, उसकी 10 बार में फर्क पड़ेगा। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होते हैं इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या होता है कि जैसे दो कोई भी इवेंट, अब देखा जो मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को बताया ए एंड बी, सब ए हो रहा है, हमें बोला बी के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि ए कंप्लीट, लेकिन ए पे फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पर पी बी है, पी बी वाई आता था पहले, लेकिन अब पी बी आ गया, ए पे तो फर्क पड़ ही नहीं रहा, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। एग्जाम्पल एक बैग, बैग में आपके पास चार रेड बॉल है और छह ब्लैक बॉल है, मेरे को दो बॉल निकालनी, पहली रेड निकालनी दूसरी ब्लैक निकालनी, लेकिन जो पहली बॉल निकाली उसको वापस से सब्स्टिट्यूट कर विद रिप्लेसमेंट, मैंने पहले पहली बॉल निकाली रेड, रेड आने की प्रोबेबिलिटी 4/10, वापस डाल, वापस 10 बॉल हो गए, अब मैंने रेड और ब्लैक निकाल दी, तो ये प्रोबेबिलिटी कभी चेंज होगी क्या? कभी भी निकालो, चाहे 10वीं बार में निकालो तो भी 6/10 ही आएगी आपकी। भाई मैंने एक बॉल निकाली, पहली बॉल निकाली रेड आई, वापस डाल दी, दूसरी बॉल निकाली रेड आई, वापस डाल दी, तो इसका मतलब कभी भी निकालो तो वापस प्रोबेबिलिटी अंत तक आएगी 4/10। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बैग में चार रेड है और छह ब्लैक है, और विद रिप्लेसमेंट मैं एक ही करके बॉल निकाल रहा हूँ, वापस डाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, वापस डाल रहा हूँ, क्या इस बैग में से 8 रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आ सकती? नहीं आ सकती। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोबेबिलिटी। और देखो यहाँ पर एक चीज इम्पोर्टेंट पार्ट है, जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट देखो प्रोबेबिलिटी दो, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/10 कभी चेंज नहीं होगी, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 6/2 कभी भी यूज करोगे इंडिपेंडेंट इवेंट आपको पता लग गया तो वो प्रोबेबिलिटी कभी भी चेंज नहीं होने वाली चाहे कुछ भी कर लो। तो ये प्रोबेबिलिटी हम पहले से ही लिख लो, तो अभी करेंगे क्वेश्चन, तो ये लिख लीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू बी।
अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझो, जब भी इंटरसेक्शन आएगा तब वो मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी बार, बी बार का मतलब क्या है, तब क्या बोला था ए बार नॉट बी, लेकिन इंटरसेक्शन आ गया और मुझे पता लग गया ए और बी कौन से इवेंट है, तो बेटा बिना देखे बंदे क्या लिखे या बी मार्क ए एंड बी आर हमें गिवन है आर इंडिपेंडेंट, ये हमें गिवन है। अब इसी तरह से यदि मैं ऐसा बोलूं तो क्या लिखूंगा, और मैं सबको बोलूं नाइदर एक और बी, तो कोई जरूरत नहीं है कोई डी मॉडल स्टॉक फॉर्मूला लगाने की, यदि आपको पता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे बी ए बार इंटू सी बी बार, इंटरसेक्शन है तो मल्टीप्लाई में करो क्योंकि ए और बी कौन से इवेंट है, ले लीजिए ये चलो। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बी वन, पी एटलीस्ट वन, ये सबसे ज्यादा यूज में आए, कम से कम एक निकालने की प्रॉब्लिटी, वन में से एक भी नहीं आ रहा उसकी प्रॉब्लिटी आ रही होगे तो कम से कम एक को आ, कम से कम एक आने की प्रॉब्लिटी। मैं आपको बोल रहा हूँ इस बैग में छह रेड बॉल है पांच बॉल, एक एक करके मैं पांच बॉल लूंगा थोड़ा कम से कम एक रेड को आ, तो वन माइनस वोटर प्रॉब्लिटी मानी वन में से एक भी नहीं आ रही बॉल प्रॉब्लिटी तो कम से कम एक, इसको समझाने के लिए अच्छी तरह समझाने के लिए केस कम लो, उससे आपको अच्छी तरह समझना है। आपके तीन जन मैं बोल रहा हूँ कम से कम एक जना क्लास में उसकी प्रोबेबिलिटी कम, तो मैं क्या करूँगा टोटल प्रोबेबिलिटी वन माइनस एक भी जना जो नहीं आ रहा है बोला के पर जो भी एक भी जना नहीं आ रहा वो तो कम से कम एक तो आया, पर तीनों नहीं आ रहा वो अठारह तो कौन सा बचा, क्या तो एक आया दो आएंगे या तीन होंगे, तो कम से कम मैं एक आ रहे हैं ये लगता है आपका इसलिए एटलीस्ट वन एक्सेंड करता वन माइनस तीन वन माइनस तीन होना जिससे एक और मैं बता देता हूँ फिर बात कर सकते लिखो। A bag contains 5 white, 7 red, 5 white, 7 red, and 8 black balls. 4 balls are drawn. 4 balls are drawn one by one with reflection. Four balls are drawn one by one. What is the probability that at least one is white? What is the probability that at least one is white? कितने कितने बोल रहे हैं? ये बैग में क्या क्या बोल रहे हैं? क्या प्रोबेबिलिटी होगी फाइव बाई पी नॉट वाइट वन माइनस और मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट वन इज वन पहली वाइट नहीं है दूसरी भी नहीं है तीसरी भी नहीं है चौथी भी नहीं है आया ये एटलीस्ट वन इज वाइट आ गया 175
मैंने क्या बोला, वन माइनस पी नन इज वाइट, एक भी वाइट नहीं, पहले भी वाइट नहीं है, दूसरी भी नहीं है, तीसरी भी नहीं है, चौथी वाला केस हटा दो तो कम से कम एक तो वाइट आएगी भाई, एक ही तो केस हटेगा, बाकी तो कम से कम एक वाइट हो तो बहुत सारे केस बनेंगे, कैसे, एक वाइट वाला केस, दो वाइट वाला केस, तीन वाइट वाला केस, चार वाइट वाला केस, जीरो वाइट वाला केस हटा दो तो टोटल प्रोबेबिलिटी इन सबकी कितनी होगी, वन वन में से ये वाला हटा दो तो आपका नन इज वाइट वाला हटा दो आपका आ जाएगा एक्स वन इज वाइट, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को अपन कल यूज करेंगे, अभी तो सिर्फ समझाया, चलिए।